फर्ज कीजिए कि अभी आप किसी तो हॉस्टल रूम में बैठे हुए हो, आधी रात में, घड़ी में कुछ 12 बज रहे हैं, एंड अचानक से दरवाजे पे कोई तो दस्तक देता है। एंड इतने आधी रात को कौन हो सकता है, शायद से कोई और स्टूडेंट होगा। आप जाके बाहर देखते हो तो दरवाजे के बाहर एकदम समोर सन्नाटा रहता है, कोई भी नहीं रहता है आसपास, एकदम सन्नाटा, जैसे कि यहाँ पे कभी कोई इंसान था ही नहीं, एकदम सन्नाटा। आप अपने कमरे में वापस से जाते हो, लेकिन वापस से कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। वापस दरवाजा खोल के देखते हो, कोई नहीं रहता है। आप अंदर आते हो, ये सिलसिला चलता ही रहता है रात भर, लेकिन एक बार दरवाजे पे दो बार कोई तो नॉक करता है, सेम कोई ना कोई दस्तक देता है। रात के कुछ 2 बज रहे हैं अभी ये सिलसिला चलते चलते, एंड इस बार बाहर से एक आदमी के रोने की आवाजें आ रही है। आप उस समय क्या करोगे? क्या आप अपने कमरे में बैठ के इंतजार करते रहोगे कभी आदमी वहां से हटे, या फिर आप जाके दरवाजा खोल दोगे? आज इस वीडियो के शुरुआत में मैंने ये वाली कहानी एक वजह से आपको सुनाई है, क्योंकि आगे आने वाली जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा डरावनी है, एंड आपको इस कहानी से उस कहानी को रिलेट करना चाहिए। इस वजह से मैंने आपको ये वाली कहानी सुनाई है, क्योंकि आगे आने वाली कहानी बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है। तो ध्यान से, ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 2013 में, जब गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्यून काम किया करता था, उसका नाम था राकेश। एंड राकेश को इस इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करके कुछ 1 साल ही हुआ था, वो वहाँ पे काम करता था। एंड राकेश का काम बहुत सिंपल सा था कि जब सारे स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स इस कॉलेज में आए, उससे पहले सारे क्लासरूम में जाके चॉक, डस्टर, मार्कर जो भी था वो सारी चीज़ उसको रख देनी थी। स्टाफ रूम की चाबी उसके पास रहती थी, सब कुछ क्लीन करना भी उसका कभी और काम होता था कि टेबल वगैरह सब कुछ साफ रहे। एंड टीचर्स की मदद करना स्टाफ रूम में, ये भी उसका एक काम था। एंड जब सब लोग निकल जाते हैं कॉलेज से, उसके बाद वापस से उसको सब कुछ चेक करना पड़ता था, स्टाफ रूम की चाबी, सब चीज़ें लॉक करके उसको अपने घर पर जाना पड़ता था। एंड वो हॉस्टल के ही किसी तो रूम में रहता था, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स रहते थे वहीं पे राकेश भी रहा करता था। राकेश की उम्र सिर्फ 21 साल की थी, जितने सारे स्टूडेंट्स की थी उम्र, उसी उम्र का राकेश भी था, लेकिन वो ऐसा प्यून ज्वाइंट हो गया था क्योंकि उसको उसके घर पे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे। लेकिन राकेश की और दूसरे स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी तरीके से बनती थी, वो बहुत अच्छा दोस्त बन गया था उनका। एंड राकेश बात बात में स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा साथ दिया करता था टीचर्स के सामने, एंड हॉस्टल में भी उनकी बहुत अच्छी बनती थी, हर रोज़ वो लोग साथ में मस्ती मजाक किया करते थे। अभी एक बार की बात है, जब इस इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम मतलब आने ही वाले थे, कुछ एक हफ्ते में आने वाले थे, एंड बच्चे लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। राकेश को सब कुछ दिख रहा था कि कैसा, सब लोग एकदम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। एंड राकेश को बहुत अच्छे से पता था कि अब इनकी मदद कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करते, लोग मस्ती मजाक में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते। तो उनमें से जो बच्चे लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने आके एक दिन राकेश को बोला कि राकेश, स्टाफ रूम की चाबी तो हमेशा तेरे पास ही रहती है, राइट? और जो टीचर्स ने एग्ज़ाम पेपर सेट किया है वो भी स्टाफ रूम में ही है, तो एक काम करना, तो हमको वो लाके दे देना, प्लीज़ लाके दे दे, हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, प्लीज़ लाके दे दे हमें, चाबी तो तेरे पास ही, और किसी को क्या ही पता चलेगा। फिर राकेश ने सोचा, हाँ ये वाली बात भी ठीक है, स्टाफ रूम की चाबी वैसे भी मेरे पास ही रहती है, ये बच्चे लोग भी तो मेरे दोस्त जैसे ही है, मुझे इनकी शायद से मदद करनी चाहिए, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, वैसे भी मैं 1 साल से हूँ इस कॉलेज में, एंड पता नहीं क्यों मैंने भी वाली चीज़ नोटिस करी है कि शाम के 6 बजे के बाद कॉलेज का वॉचमैन तक कॉलेज में नहीं रहता है, कोई कॉलेज के आसपास भटकता भी नहीं है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान चीज़ होगी ये। तो मैं जाऊँगा कॉलेज के स्टाफ रूम में एंड जेरोक्स मशीन से एक एक कॉपी निकाल के आ जाता हूँ, आसान रहेगा ये मेरे लिए। फिर राकेश ठीक एग्ज़ाम से 3 दिन पहले कॉलेज के तरफ मुड़ता है, रात के कुछ 10 बज रहे थे, एंड वो कॉलेज के गेट के अंदर जैसे ही एंटर किया, उसको अचानक से कुछ तो लाइक ऐसा फील हो रहा था कि शायद से मुझे कॉलेज के अंदर नहीं जाना चाहिए, मैं ये गलत नहीं कर रहा हूँ लेकिन कॉलेज के अंदर जाके गलत कर रहा हूँ। ठीक है, उसने कॉलेज का डोर ओपन किया एंड उसने देखा
पूरे कॉलेज में सन्नाटा था, पूरा डार्क, पिच ब्लैक। बस कहीं से चांद की रोशनी आ रही थी वहां पे अंदर, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी सी, एंड उसके बैकग्राउंड से किसी बाथरूम से तो पानी के टपकने की आवाजें आ रही थी कॉन्स्टेंटली। उसने वो इग्नोर किया एंड वो अंदर गया। फिर राकेश इस रात के अंधेरे में स्टाफ रूम की तरफ बढ़ रहा था। स्टाफ रूम के सामने आया एंड स्टाफ रूम मालूम है कैसा था, एक पूरी विंडो थी जिससे पूरा स्टाफ रूम दिखता था एंड उसके बाद उसका दरवाजा आता है। फिर राकेश ने अपनी चाबी से डोर खोलने की कोशिश करी एंड उसी समय उसके पीछे से कोई तो भाग के गया। राकेश थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने बोला कि ये कौन हो सकता है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं, पिच ब्लैक है गाइस, वहां पे पूरा अंधेरा, बस थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही, कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने बोला कि होगा शायद से कोई चूहा हो सकता है, बिल्ली, कोई भी जानवर हो सकता है। फिर उसने उस डोर को खोला, वो अंदर गया एंड फिर जो भी कॉपीज थी उसने निकालना चालू कर दिया जेरोक्स मशीन से, सब कुछ उसने अपना काम ख़त्म किया एंड वो वापस निकलने लग गया। उसने डोर को बंद किया एंड वो जैसे ही निकलने लगा, विंडो से उसने देखा कि एक आदमी स्टाफ रूम के किसी एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है एंड जो टेबल है उसके ऊपर अपना सर मार रहा है, अपना सर पटक रहा है। फिर उसने अपने सर को थोड़ा सा टिल्ट किया एंड राकेश की तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराया एंड उस आदमी को देख के राकेश की रूह कांप गई थी। राकेश बहुत ज़्यादा डर गया था उस समय एंड वो जल्दी से भाग के निकला कॉलेज के बाहर एंड भागते भागते वो अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था एंड उसने देखा कि सारे बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे कि अभी वो आएगा पेपर लेके हमारे लिए एंड वो वहाँ पे पहुँचा हॉस्टल में एंड सारे बच्चों ने देखा कि राकेश बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, ऐसा लग रहा है वो एकदम भाग भाग के आया, क्या हो गया। फिर राकेश ने अपनी पूरी कहानी बताई कि क्या क्या हुआ है उसके साथ कॉलेज के अंदर, क्या था वहाँ का पूरा सिनेरियो एंड उसने किस इंसान को देखा वहाँ पे, क्या वो इंसान था कि नहीं वो भी उसे नहीं पता। तो फिर सारे स्टूडेंट्स का रिएक्शन बस एक सिंपल सा ही था कि शायद से ऐसा हो सकता है कि रात के अंधेरे में तूने किसी और चीज़ को इंसान समझ लिया होगा वगैरह वगैरह ऐसे, मतलब वो लोग भी उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं राकेश ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बहुत ज़्यादा थक गया है, तू जाके सो जा। एंड फिर राकेश अपने कमरे में चला गया ऑफकोर्स एंड उसमें से एक लड़का निकला बाहर, उस स्टूडेंट्स के ग्रुप में से एक लड़का बाहर निकला एंड उसने राकेश को आवाज़ दी एंड फिर उस लड़के ने कहा कि आओ राकेश मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ता हूँ। एंड चलते चलते उस लड़के ने राकेश को कहा कि मैंने कई सालों पहले कुछ एक्स स्टूडेंट से ये वाली बात सुनी थी कि हमारे कॉलेज में साल 2005 में एक वॉचमैन की मौत हो गई थी, वो ऊपर से नीचे गिर गया था कैरेज से नीचे एंड उसकी मौत हो गई थी एक्सीडेंट में। सो आज भी ऐसा बताया जाता है कि शायद से उसी की रूह वहाँ पे भटकती है एंड वो एक वॉचमैन था, वो उसी ड्रेसिंग में था जब उसकी मौत हुई थी। एंड फिर उस लड़के ने राकेश को ये भी बताया कि मुझे एक स्टूडेंट ने ये भी बताया था कि इस ही रीज़न के वजह से कोई भी शाम को 6 बजे के बाद कॉलेज के आसपास भी नहीं भटकता है। फिर राकेश को याद आया कि हाँ मैंने भी एक साल से देखा है कि यहाँ पे शाम को कोई भी नहीं जाता था। फिर उस लड़के ने पूछा कि आपने जिस इंसान को देखा था, जो भी आदमी को आपने देखा था, मतलब उसकी ड्रेसिंग क्या थी। फिर राकेश ने सोच के बताया कि हाँ उसने भी ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी जो कि एक वॉचमैन पहनता है, वो भी कुछ वॉचमैन जैसा ही दिख रहा था मुझे। फिर राकेश ने ये सारी बातें सुन के अपना दरवाज़ा बंद कर दिया एंड वो चला गया अपने कमरे के अपने डेस्क पे बैठने के लिए, एक टेबल था वहाँ पे वो बैठने के लिए चला गया क्योंकि उसने कुछ लाइक खाना नहीं खाया था तो वो बैठ के खाना खा रहा था। एंड वो उसका घर कैसा था ना, उसका रूम कि उसके डोर के एग्जैक्ट सामने एक विंडो थी एंड उसी के विंडो के पास उसका डेस्क था, लाइक ये जैसा अभी मैं जिस तरीके से बैठा हूँ मेरे एग्जैक्ट सामने एक विंडो है और यहाँ पे एक डेस्क है, वो वहीं पे बैठ के खाना खा रहा है एंड वो सोच रहा था कि वो इंसान कौन हो सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसमें खो गया था, विंडो के बाहर देख रहा था वो, बहुत ज़्यादा खो गया था वो ये सब चीज़ों में। एंड अभी उसके कमरे में कुछ समय बीत चुका था, राकेश अपने बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था
एंड अचानक से उसके दरवाजे पे किसी ने तो दस्तक दी। एंड राकेश की नज़र कहीं पे भी नहीं गई लेकिन घड़ी की तरफ गई एंड देखा कि घड़ी में अभी 2 बज रहे हैं। 2 बजे कौन हो सकता है। वो बाहर गया एंड उसने देखा तो बाहर कोई भी नहीं था, पूरा काला, एकदम अंधेरा, कोई भी नहीं बाहर खड़ा। बस उसके कमरे की थोड़ी बहुत रोशनी बाहर आ रही थी जिसे वो देख सकता था कि बाहर कोई भी नहीं है। तो उसको लगा कि शायद से कोई तो स्टूडेंट हो सकता है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है एंड ऑल। तो वो वापस से चला गया अंदर एंड इस समय तक उसके साथ जो भी हुआ वो सब कुछ भूल चुका था। वो गया अपने कमरे में एंड वो जाके वापस से बिस्तर पर लेट गया। अभी कुछ समय और बीत गया था, रात के कुछ 3 बज रहे थे एंड राकेश अपने बिस्तर पे सोया हुआ था एंड वापस से किसी ने तो दरवाजे पे दस्तक दी। 2 बार किसी ने ठकठकाया। राकेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि अब ये कौन है, क्यों कोई तो मुझे बार बार आके परेशान कर रहा है। वो जल्दी से उठ के गया, उसने दरवाज़ा खोला और देखा तो बाहर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, एकदम सन्नाटा। उसने दरवाजे को जोर का पटका एंड वो जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कि विंडो के ठीक बाहर वही वॉचमैन खड़ा था एंड वो राकेश को देख के रो रहा था, विंडो पे अपने हाथ मार रहा था। ये सब देखने के बाद राकेश को हार्ट अटैक आ गया था, वो बेहोश पड़ गया था अपने कमरे में। उसको फिर अस्पताल लेके गए एंड 10 दिन बाद जाके राकेश को होश आया। तब उसने ये सारी कहानी बताई सबको, सारे स्टूडेंट्स ने सुनी, सारे टीचिंग स्टाफ ने सुना एंड सबको पता था इस बारे में। टीचिंग स्टाफ को तो पता ही था कि ये सारी चीज़ें है यहाँ पे एंड इसीलिए तो शाम के 6 बजे के बाद यहाँ पे कोई जाता नहीं है, ये क्यों चला गया अंदर। बाद में लोगों ने ये कहने लग गए कि राकेश का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है एंड आज भी अहमदाबाद के किसी एक मेंटल अस्पताल में राकेश है एंड वो सिर्फ इसी कहानी के बारे में बात करता रहता है कि मैंने इस इंसान को देखा। बस राकेश सिर्फ 21 साल का था जब उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई। लाइक 21 साल की उम्र में एक इंसान मानसिक संतुलन खो सकता है एक इस पैरानॉर्मल इंसिडेंट के वजह से। एंड ये जब हादसा हुआ था 2013 में, उसके बाद इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे इस कॉलेज के बारे में, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, इंटरनेट पे मीम्स भी बनने लग गए थे इस कॉलेज के बारे में। लेकिन अभी भी हम इस कॉलेज का नाम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ प्राइवेसी लॉज होते हैं जिसको हम ब्रेक नहीं करना चाहेंगे एंड कॉलेज का भी नाम खराब हो सकता है। बट स्टिल मैं एक वेबसाइट का लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जिससे आप उस कॉलेज के बारे में फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको किसी भी सुनसान जगह पे जाना हो, सुनसान मतलब भले ही सुबह में वो कोई कॉलेज हो, भले ही वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग आते हो सुबह में, लेकिन आधी रात में इंसानों का समय नहीं होता है, आधी रात में किसी और का निकलने का समय होता है। ये जो रात का समय होता है ना वो भूतों का दिन होता है, प्रेत आत्मा का दिन होता है। तो अगर आपको कहीं पर भी जाना है आधी रात को तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि कोई ना कोई आपके साथ होना ही चाहिए उस समय, क्योंकि ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं ना ये अकेले इंसान को आसानी से अपना शिकार बना लेती है। तो ध्यान से, वरना क्या पता अगला वीडियो आपके ही कहानी के ऊपर हो। शुक्रिया।